अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी अहमद अली मेहरवी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता है। मेरे मोहतरम नाजरीन, रोज़े की नियत कैसे करें, इस मसले को समझना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे नमाज के लिए नियत शर्त है, वैसे ही रोज़े के लिए भी नियत शर्त है। अगर कोई शख्स सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफताब तक कुछ भी ना खाए, कुछ भी ना पिए, हम बिस्तरी भी ना करे और कोई ऐसा काम भी ना करे जिससे रोज़ा टूट जाता है, लेकिन नियत नहीं की, तो उसका रोज़ा नहीं होगा। इस मसले को समझिए। रद्दुल मुख्तार जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 331 पर यह मसला मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो नियत ज़रूरी है, बग़ैर नियत के रोज़ा नहीं होगा। अब नियत करनी कैसे है, किस वक्त करनी है, तरीका क्या है, आपके साथ मैं बयान करता हूँ। इस वीडियो को आपने आगे ज़रूर शेयर करना है, ताकि जो लोग ये गलती करते हैं और नियत नहीं करते, तो वो भी इस पर तवज्जो करें। नियत ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर निसफ़ नहार शरई, जिसको ज़ावा कुबरा आमतौर पर लोग जवाल का वक्त कहते हैं, उससे पहले पहले आप कर सकते हैं। ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर जवाल से पहले पहले किसी भी वक्त आप नियत कर लेंगे रोज़े की, तो रोज़ा हो जाएगा और नियत दुरुस्त होगी। आप नियत करनी कैसे है, तो नियत दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से कह लेना मुस्तहब है, अगर ज़बान से नहीं भी कहा, दिल में इरादा है, तो आपका रोज़ा हो जाएगा। अब देखिए, हम सहरी के लिए उठते हैं तो हमारा इरादा होता है, हमारी नियत होती है कि हम रोज़ा रखने के लिए उठे हैं, सहरी कर रहे हैं, रात को नमाज तरावी अदा करते हैं, तो नियत यही होती है कि हमने रोज़ा रखना है, इसी को ही नियत कहते हैं। और अगर किसी ने बग़ैर नियत के खा पी लिया, सहरी कर ली, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे कुछ लड़के इकट्ठे काम करते हैं, तो एक लड़का सोया हुआ है, ज़बरदस्ती उठा दिया, चलो भाई रोज़ा रखो। अब वो कहता है, जी मैंने रोज़ा नहीं रखना। अब वो ज़बरदस्ती रखवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो उनके सामने तो खा पी रहा है, लेकिन दिल में ये इरादा है कि मैं रोज़ा नहीं रख रहा हूँ, तो वो रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि उसके दिल में इरादा नहीं है। चाहे वो ज़बान से कह भी ले कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, लेकिन दिल में इरादा नहीं है, तो रोज़ा नहीं होगा। तो असल नियत क्या है, दिल के इरादे का नाम है, इसी को नियत कहते हैं। ज़बान से कह लें तो ये मुस्तहब है। अब नियत करनी कैसे है, अगर आप रात को नियत कर लेते हैं, तो फिर आप पढ़ लें, वाबी सौमी गदिर नवई तो मिन शहरी रमदान, मैंने माह रमदान के कल के रोज़े की नियत की। और अगर आपने रात को नियत नहीं की, दिन हो गया, तो दिन को आप जवाल से पहले पहले भी नियत कर सकते हैं। अगर आपने कुछ खाया पिया नहीं है सुबह सादिक के बाद से लेकर, सहरी की है या सहरी नहीं भी की, लेकिन अगर आपने जवाल से पहले पहले कुछ नहीं खाया, तो आप रोज़े की नियत कर सकते हैं। कैसे करेंगे, नवई तो अन असूमा हाज़ अल यौमा लिल्लाहि तआला मिन फ़र्दी यौम, मैंने नियत की अल्लाह ताला के लिए इस माह रमदान का फ़र्ज़ रोज़ा रखूँगा। तो अब आपको नियत के बारे में मसला समझ आ चुका होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप देख सकें। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।